यूं तो सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपने वार्डों के अंदर लोगों के घर द्वार जाकर वोट मांगने की चुनावी होड़ बना रखी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की भी यदि बात की जाए तो यहां पर उनके पक्ष में शुक्रवार को सोलन शहर के अंदर कोटला नाला से मेन सामठी बाजार और वहां से फिर वापिस कोटला नाला व चौक बाजार तथा पूरा माल रोड सोलन तक पद यात्रा करके रोड शो किया गया, जहां पर पूरे बाजार में उन्होंने नारे लगाकर लोगों को वोट मांगने का आह्वान किया। उन्होंने इस पद यात्रा को लेकर आ गए भाई आ गए झाड़ू वाले आ गए, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, ऐसे नारों से पूरे सोलन को गूंज उठाया। निकाली गई एक मेन मूड रोड शो करने का जो था वे वास्तव में ये था कि चार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी से भी उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन आम आदमी पार्टी सोलन नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करना उनका मेन मुद्दा है। इस ओर आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भगवंत सिंह क्या कह रहे हैं आप जान सकते हैं सोलन हिमाचल प्लस न्यूज के पत्रकार टीकाराम शर्मा के साथ लाइव वीडियो। सर हिमाचल प्लस न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ टीकाराम शर्मा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने ये रोड शो किया है सोलन बाजार के अंदर, इसको लेकर आपका क्या विशेष मुद्दा है और साथ में जो आपके बाढ़ के जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और उसको लेकर जो आप डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं उसको लेकर आपकी जो विकट बाढ़ के अंदर जो भी विकट समस्या है उसको लेकर आपका क्या समाधान रहेगा, प्लीज़ आप बताएं। मैं सोलन की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि हमारा जो ये जो रोड शो हो रहा है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो हमारे सारे जो प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं यहाँ पर, और भाजपा कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। आपके सामने हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बार बार सोलन आ रहे हैं और हमारे चारों नगर निगमों में जो है हमारे इस बार जो कैंडिडेट जीतेंगे, और जो जो आप जो जन शराब देख रहे हैं हमारे पीछे, इसके पीछे बिल्कुल सीधी सी मंशा है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो हिमाचल प्रदेश में भी हम करने जा रहे हैं। 70 साल की आज़ादी के बाद आप देख रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएँ भी अभी तक हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही है। मेरा गला थोड़ा फंस गया है तो क्योंकि मैं अब तारे लगाते लगाते मैं ये इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो पानी की जो बात है हम हिमाचल प्रदेश में भी इस नगर निगम में भी हर दिन पानी उपलब्ध कराएंगे और फ्री में पानी मुहैया करवाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप यहाँ देख रहे हैं इस नगर निगम में जो जो सोलन का नगर निगम है यहाँ गार्बेज के टैक्स लग लिए जा रहे हैं और सैनिटरी के टैक्स लग लिए जा रहे हैं, चारों तरफ लूट ही लूट मची जा रही है, और आपके सामने जो है यहाँ पर अब टॉयलेट की कोई समस्या है, टॉयलेट नहीं है, बिजली नहीं है उस प्रकार से जो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली तैयार होती है, और दिल्ली में बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिलती है और हमारे यहाँ प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार बिजली के दाम बढ़ा रही है। आपके सामने ये जो आप दे दो आम जनता जो दिख रही है, आम जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ती जा रही है, उसके पीछे एक ही कारण है कि जो दिल्ली में हमने शिक्षा स्वास्थ्य और बिजली पानी और रोजगार के मुद्दों पर हमने जो काम किया है वो इसी का हम जो है प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, और हम भारी से भारी मतों से जो है हमारे यहाँ कैंडिडेट सभी जीत रहे हैं, मेयर हमारा होगा, और हम जो यहाँ की जो जनता है नगर निगम जो सोलन की है हम उनसे जो है आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल यहाँ पर राज करेगा और सोलन की जनता को भी सारे के सारे लाभ मिलेंगे। एक बार हमें मौका दीजिएगा, दिल्ली में भी यही बात कहते थे कि ऐसा हो नहीं सकता है, हमने करके दिखाया है दिल्ली में और हम सोलन में भी करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र है उससे भी आपका एक जो अपना घोषणा पत्र है वो बिल्कुल ही अलग है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बिल्कुल साफ कहना है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र तो आप पिछला भी घोषणा पत्र निकाल के देखिए, उनको पूछिए कि आपके जो घोषणा पत्र में पिछली बार के वादे थे आज तक पूरे क्यों नहीं हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो निकाले उस घोषणा पत्र को, उनका घोषणा पत्र जुमलेबाजी का घोषणा पत्र है। जिस प्रकार से 15 लाख की बातें करते थे, 2 करोड़ की बातें करते थे, हर घर में जल की बात करते थे, आज कहाँ है उनकी बातें। तो हमारा घोषणा पत्र वो है कि जो हम जो जनता के बीच से हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ है और जनता के बीच जो हम बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमने बिजली में जी हाँ जी बोलिए, हाँ बिल्कुल, जो घोषणा पत्र हमारा हिमाचल, हाँ जो हमने प्रमाण जो हमने दिखाया है हमने दिल्ली में करके दिखाया है, जो हमने घोषणा पत्र में यहाँ चीज़ें लिखी है जैसे पानी की बात है,
हमने हाउस टैक्स की बात की है कि हम फ्री हाउस टैक्स यहाँ करेंगे, गार्बेज का किसी भी प्रकार का टैक्स हम लोगों पर आयात नहीं करने देंगे। हम सारे के सारे जो हमारे जो पार्षद है जितने भी चुनकर आएंगे जनता की सेवा में लगातार काम करेंगे। जिस प्रकार से ये बढ़ती जो फीस के जो कोरोना काल में भी जो है ये लगातार फीस बढ़ाते जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, उस पर हम अंकुश लगाएंगे। हम हर प्रकार से जो है हेल्थ के डिपार्टमेंट बिल्कुल सही बोला जो साथी बोल रहे हैं, भाजपा कांग्रेस झूठ बोलती है, इनका बात ठीक है। इसलिए जो हम बोलते हैं हम सच्चाई के रास्ते पर है, जनता के रास्ते पर है। जो जनता हमारे जो हमें कहती है उसको हम करके दिखाते हैं। महिलाओं के लिए देखिए आप, हमने CCTV कैमरा सारे दिल्ली में लाखों की संख्या में लगाए हैं। महिलाओं को सुरक्षा के लिए जो है वहाँ पर हमने गार्ड की नियुक्ति की है। आपके सामने सारी जो महिलाएं हैं, कोई भी देश की कोई महिला भी दिल्ली जाती है वो फ्री में वहाँ पर यात्रा करती है। और हमारे यहाँ पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री है बार बार जो है यहाँ ये किराया बढ़ा रहे हैं, कोरोना काल में भी किराया बढ़ा रहे हैं। बसें लोगों को मिल नहीं रही है, लोग जो है त्राईमाम हो गया है। और केंद्र की देखिए आप, ये सिलेंडर की बात करते हैं, हर घर में जो चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, 900 से ऊपर सिलेंडर हो गया है, ये क्या यही अच्छे दिन है? तो हमारा आपसे बिल्कुल साफ कहना है, जो सोलन की जो नगर निगम की जनता है, मेरा आपसे करवट निवेदन है, एक बार हमारे लोगों को मौका दो, हम आपको करके दिखाते हैं। हम आपको जो है हर बात को पूरा करके, हमने करके दिखाया है दिल्ली में और सोलन में भी करके दिखाएंगे। और जो हिमाचल प्रदेश के जो चार हमारे नगर निगम है, चारों जगह हमारे प्रत्याशियों को जिताए और एक बार आपके सामने जो हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के लिए सोलन से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।